हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल दैट इज जियो वाला राइडर। सो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द 4V एंड द 2V। तो 2V हम लोग के पास टू ऑलरेडी है और 4V सिर्फ इकलौती है, तो दोनों को मिला के 2+2=4 कर चुका है। तो आज हम लोग ने वीकेंड पे काफी ऑफ रोडिंग की है। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे व्यू है एंड हम लोग कहीं पहाड़ों के बीच में आ चुके हैं, इन बिटवीन नो वेब, जहाँ पे आपको नेटवर्क भी नहीं है, कुछ नहीं है, एंड इट्स वेरी गुड। तो बेस्ट प्लेस टू स्पेंड द वीकेंड। सो आज हम काफी कुछ किया हुआ है। वी वेंट ऑन अ दिस एन ऑफ रोडिंग ट्रैक अराउंड 3-4 किलोमीटर, फिर बाद में ऐसे वाटर स्ट्रीम में आ चुके हैं। इतना करने के बावजूद ओके नाउ विल सी हाउ वॉज द फील अबाउट द 4V। सो हियर इज द ओनर फॉर एक्सपल्स 4V, मिस्टर अभिजीत रेवनकर। गुड मॉर्निंग गाइज। सो माई सेल्फ अलॉन्ग विद मिस्टर फजल, वी हैव कम टू अ रिमोट प्लेस इन अ बेलारी डिस्ट्रिक्ट एंड वी आर रियली रियली एंजॉइंग दिस राइड ऑफ 2V एज वेल एज 4V। सो दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट बाइक इन इट्स सेगमेंट एट दैट प्राइस। सो आई विल हैंड इट ओवर टू मिस्टर फजल। Yeah, thanks for that, Abhijit bro. But I need to ask you about your feeling, how it went on with the 4V. Because काफी लोगों को क्या लगता है, what is the confusion? Shall we go with the 2V or shall we go with the 4V? That is the confusion. So how you felt about riding the 4V first thing? When you compare 2V and a 4V, 4V is a really a smooth ride, and 2V you can feel that punch, that hardcore power, and that beat. So 4V is the fine-tuned version of a 2V. And when you compare the colors, so it हर एक गाड़ी का अपना अपना मजा है। सो 2V का जो कॉम्बिनेशन है वो तो लेजेंडरी है। 4V का लिटिल पोलार वर्जन में लॉन्च किया हुआ है, तो दोनों का अपना मजा है। वैसे ये दो बाइक जो है ये बेस्ट इन सेगमेंट। या टू बी ऑनेस्ट, बेस्ट इन सेगमेंट, बेस्ट इन क्लास, बेस्ट इन माइलेज, बेस्ट इन ऑल द फीचर्स, व्हाट यू कैन टेल कि ये बजट में आपको जो आने वाला 1.7 लाख का जो सेगमेंट, अभी जो प्राइस हाइक हो चुका है रिसेंटली, उसके बाद में स्टिल यू कैन टेल दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट इन बजट बाइक व्हाट यू कैन गेट। आप कहीं भी दूसरी कोई भी गाड़ी कंपेयर कर दोगे इस सेगमेंट में, आपको 200cc विद अ रेडिएटर, विद अ ब्लूटूथ, विद अ नेविगेशन, विद अ कॉल नोटिफिकेशन, विद अ सच अ सॉफ्ट मोनोशॉक सस्पेंशन, विद अ सच अ गुड दिस वन ट्रैवल रिस्पांस, ओके, इतना सब कुछ आपको इन बजट, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। यू विल बी गेटिंग दिस व्हीकल, ओके, दैट इज एक्सपल्स एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट, एंड मेन थिंग इज लाइक मेंटेनेंस। और आपको दूसरी चीज लाइक हाउ यू फेल्ट अबाउट द माइलेज पर्पस, हाउ इट फेल्ट अराउंड, लाइक mileage somewhere around I am getting in the range of 45 to 50, okay, 45 to 50, and when you off road somewhere around 35 to 40, aur off roading ka aap nazara dekh sakte hai। I will request my friend Mr. Rahul, to yahan agal bagal ka view dikhaye ki aage rasta hai nahi, Xpulse ne apna rasta khud banaya hua hai। आप जस्ट सोचिए 200cc बाइक इसमें से आई है, तो इसका इंजन का रिफाइनमेंट, इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा होगा। एंड अलॉन्ग, अगर आपको सच्ची में इतनी ज्यादा हार्ड कोर ऑफ रोडिंग कर रहे थे, यू कैन गेट द एक्सपल्स रैली किट, जो कि यू विल गेट इट इन अराउंड सम 40,000 में। तो आपको मतलब ये ऑब्स्टिकल तो कुछ भी नहीं लगेगा, बट ओनली थिंग यू नीड टू बी ट्रेन्ड अप इनटू दैट। बट टू बी ऑनेस्ट, दिस वाज द बेस्ट वीकेंड, वी कैन टेल व्हाट वी हैव स्पेंट अलॉन्ग, एंड थैंक्स टू राहुल आल्सो जस्ट टू बिहाइंड द कैमरास। चीयर्स।